यह तो हर भारतीय जानता है कि उसका यह प्यारा देश कई रहस्यों से भरा हुआ है। हर पल कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहस्य से भरी बात हर किसी भारतीय के सामने आती ही रहती है। ऐसा ही एक बेहद विचित्र रहस्य है जिसके सामने अमेरिका के मशहूर डिस्कवरी चैनल ने भी हार मान ली थी। उनके साथ भी सभी वैज्ञानिक इस रहस्य को कभी नहीं समझ सके थे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत के एक ऐसे रहस्यमय कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी गहराई का पता आज तक विशेषज्ञ भी नहीं लगा पाए हैं। इस रहस्य को जानने के लिए आपको 5000 वर्ष पहले जाना होगा जब महाभारत काल था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था। जिस जगह उनके रहने के प्रमाण मिलते हैं वह छतरपुर जिले में भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। यह जिला मुख्यालय छतरपुर से करीब 80 किमी दूर सघन वनों के बीच बाजना कस्बा के पास है। यह जलकुंड वस्तुतः एक गुफा में स्थित है। जलकुंड के ठीक ऊपर वर्तुलाकार बड़ा सा कटाव है जिससे सूर्य की किरणें कुंड की जल राशि पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों में इस जल राशि में मोर पंख के रंगों की आभा झलकती है। यह कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता। कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीम कुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु अपने तीन हाथों में गदा, चक्र एवं शंख धारण किए हुए हैं तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है। लक्ष्मी अपने दाएं हाथ में कमल के दो अविकसित पुष्प लिए हुए हैं तथा बायां हाथ ध्यान मुद्रा में है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप विस्तृत प्रांगण में एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे तीन मंदिर बने हुए हैं जिनमें क्रमशः लक्ष्मी नृसिंह, राम का दरबार तथा राधा कृष्ण के मंदिर हैं। वस्तुतः भीमकुंड एक ऐसा विशिष्ट तीर्थ स्थल है जहां ईश्वर और प्रकृति एकाकार रूप में विद्यमान है तथा जहां पहुंचकर प्राकृतिक विशेषताओं के रूप में ईश्वर की सत्ता पर स्वतः विश्वास होने लगता है। चारों ओर से कई प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियों और वृक्षों से आच्छादित भीमकुंड के बारे में कहा जाता है कि यह भीम के गदा के प्रहार से अस्तित्व में आया था। जनश्रुतियों के अनुसार अज्ञातवास के समय जंगल में विचरण के समय द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने भीम से पानी लाने को कहा। भीम ने वहां एक स्थान पर अपनी गदा से पूरी ताकत से प्रहार किया तो वहां पाताली कुंड निर्मित हुआ और अथाह जल राशि नजर आई जिसके बाद से इसका नाम भीम कुंड हो गया। कुंड के जल की खासियत यह है कि यह अत्यंत निर्मल और नीले रंग का व पारदर्शी है जिसकी वजह से कुंड की काफी गहराई तक अंदर तक की चीजें नजर आती हैं। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय के पानी जैसी गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है। लोग इसका जल बोतलों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। भीम कुंड का ये रहस्य सबसे गहरा है। इसकी गहराई को आज तक कोई भी नहीं नाप सका है। कई लोगों ने कई तरह से इसकी गहराई नापने का प्रयास किया पर असफल रहे। माना जाता है कि जहां कुंड है वह जमीन के अंदर से प्रवाहित प्रबल जल धारा के कारण बना है पर इस बारे में आज तक कोई भूजल वैज्ञानिक यह पता नहीं कर सका कि आखिर यह जल धारा किस जल स्रोत से जुड़ी है। भीम कुंड तब चर्चा में आया था जब हिंद महासागर में विशाल सुनामी के दौरान इस कुंड में ऊंची लहरें उठने लगी थी। सुनामी के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम इसका रहस्य जानने आई थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इसके कुंड में गोता लगाए थे पर वे न तो इसकी गहराई माप सके और न यह पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का क्या कारण था। हालांकि उन्हें इसकी गहराई में कुछ विचित्र और लुप्त प्राय जलीय जीव जंतु देखने को जरूर मिले थे। यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रहस्यमय भीमकुंड के बारे में।
मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।